हे गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपली, एक्चुअली मैं फाइनल में मैं जो हूँ एक बरिश्ता हूँ, और बरिश्ता को मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा मैंने कि शायद मेरे जो कुछ फ्रेंड्स सर्किल में हैं, बोले यासी भाई आप जॉब करते हो, बरिश्ता की कितनी सैलरी है और बेसिक सैलरी कितनी होती है, और जॉब कैसे अप्लाई करनी चाहिए, कैसे हमें जॉब मिलेगी, तो उसके बारे में हमें बता दो। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कैसे मैं बताने वाला हूँ फुल प्रोसेस, आपको कैसे करना है अप्लाई, और एज अ फ्रेशर की जॉब कैसे होती है, और एक्सपीरियंस बंदे की कैसे होती है, और कैसे जॉब आपको मिलनी है इनकी। तो फाइनली मैं हूँ दुबई यूएई में, और मैं फाइनली इवनिंग का टाइम है, और मैं देखो यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ आपको सिंपली करना क्या, अगर गाइस आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए सबसे पहले तो अगर आपको कैफ़े में अप्लाई करना तो सिंपली आपको करना है वेटरी में ही करना पड़ेगा, आपको वेटरी वगैरह करनी पड़ी, क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ी, तभी जाकर आप उस सेक्शन में पहुँचोगे, बार सेक्शन में पहुँचोगे जहाँ पर आपको एस्प्रेसो मशीन हैंडल करने को मिलेगी, अदरवाइज आपको एकदम नहीं मिल सकती। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हम भी गए थे तो हमें भी 3 महीने बाद बार में जाने दिया था, नहीं तो हम किचन में ही कुछ ना कुछ करते थे, अदरवाइज मिल्क डिलीवरी रिसीव करना, मिल्क की क्वांटिटी करना, डिलीवरी रिसीव करके उसको इन्वेंट्री वगैरह करना, ये सब हमें करना पड़ता था। और 3 महीने ऐसे प्रोसेस करते करते हम 3 महीने के बाद बार में हमारी शिफ्टिंग हुई, उसके बाद जब बार में हुई तब जाके हम मशीन पर खड़े हुए, और हमें धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस चालू करी, कम से कम 2-3 महीने लगातार कंटिन्यू एस्प्रेसो कॉफ़ी के बारे में जाना, ग्राइंड मशीन चलाने जाना, और एस्प्रेसो मशीन हमने जाना चलाना, और मतलब ऐसे धीरे धीरे हमने कंटिन्यू हम अपने वर्क को बढ़ाते चले गए और हमारा ज्ञान बढ़ता चला गया। ऑलमोस्ट हम 6 महीने में हमने वो अचीव कर लिया था बरिस्टा के, हम कॉफ़ी के बारे में जाने गए थे, बीन्स के बारे में, बीन्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हम 6 महीने में हमारा पूरा एक्सपीरियंस जब हो गया था कम्प्लीटली। तो उसके बाद हम अच्छे आर्ट्स वगैरह बनाने लगे थे, ऐसे धीरे धीरे हमारे 2 साल कम्प्लीट फाइनल हो गए। 2 साल के बाद फिर हमने 2 साल फिर जॉब करी, हमें 4 साल हो गए। अब तीसरी बार जो मैं हूँ दूसरी कंपनी हूँ फिलहाल, तो मैंने सोचा मन कि शायद मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बता दूं कि जॉब्स कैसे होती है और कितना इंसेंटिव। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर फ्रेश हैं तो फ्रेशर के अंदर 1200 से 1400 ही सैलरी मिलेगी, और उसमें बरिस्टा का काम एकदम नहीं मिला, बरिस्टा 6 महीने 1 साल बाद ही बनना पड़ता, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसमें अच्छी खासा फ़ायदा है, अच्छी खासी सैलरी है, आपको अगर 2 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो गल्फ़ के अंदर, ये सिर्फ गल्फ़ और यूरोपीय कंट्री, क्योंकि इंडिया में इतना कुछ नहीं है, तो गल्फ़ के अंदर एटलीस्ट 2000-2500-3000, अगर आपके स्किल्स के ऊपर बात है, क्योंकि कॉफ़ी में इतना झंझट है, इतना नॉलेज अगर आपके अंदर गेन अच्छा कर लिया तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और बहुत कुछ अचीव भी कर पाओगे। आप बरिस्टा से बरिस्टा 4 साल बरिस्टा करने बाद आप शिफ्ट इंचार्ज बन सकते हो, सुपरवाइज़र की आपका प्रमोशन भी वगैरह हो सकता है, मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच सकते हो, अगर आपके अंदर स्किल अच्छे हैं बरिस्टा को लेकर, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हो बरिस्टा में तो बरिस्टा में रह सकते हो। तो मैं कहना चाहूँगा अपने स्किल को डेवलप करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो एज अ फ्रेशर मिलेगी 1400 से 1500, उसमें कंपनी मेडिकल भी कराती है, रूम भी देती है, खाना तुम्हारा रहता है। ये फ्रेशर जिसे ज्ञान कम है पहली बार अप्लाई कर रहा, और अगर ज्ञान हो जाता स्किल्स बढ़ जाती हैं तो उसकी सैलरी 2500 से 2000-3000 होती है। उसके बाद तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, क्योंकि स्किल हो जाता और प्रमोशन कराने की सोचता है तो लाइफ आगे बढ़ जाती है जब एक्सपीरियंस होता। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है गाइज, स्किल को डेवलप करना, विदेश में अगर जॉब कर रहे हैं तब, विदेश में आ रहे हो तो स्किल डेवलप करो, तभी आप अचीव कर पाओगे बहुत कुछ। तो मेरे 4 से 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं सोच रहा था मन की ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ कोई चीज़ बताना अपना एक्सपीरियंस बरिस्टा। तो बरिस्टा में अगर आ रहे हो तो एक तो एजेंट के थ्रू आ सकते हो आप दिल्ली से गल्फ़ के लिए एज अ फ्रेशर, आपके पास टैलेंट है तब भी एजेंट से आ सकते हो, और आपके पास ज़्यादा टैलेंट है तो आप डायरेक्ट, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेशन से डायरेक्ट HR से बात करके भी आप आ सकते हो, और सिंपली यहाँ पर आके इंजॉय लाइफ ले सकते हो। गाइज, इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो अगर आपको पूछनी है, कोई भी बात अगर आपको पूछनी है, तो मैं बहुत सब कुछ आपको बता दूंगा, जॉब से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं बरिस्टा से रिलेटेड, क्योंकि देखो बरिस्टा में भी जानता हूँ मैं,
मॉकटेल्स हो गए, शेक्स वगैरह हो, हॉट बेवरेज एंड कोल्ड बेवरेज में एवरीथिंग आई नो वेरी वेल। और मैं ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए तो इजीली मैं उसको कंफर्म मतलब मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा नॉलेज है, नॉलेज के बेस पर ही मैं वही क्वेश्चन